जिन बेटों को पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाया उन्होंने माता पिता की वृद्धावस्था में सेवा करने से दूरी बना ली। मजदूर पिता ने दो बेटों को संपत्ति से बेदखल कर दिया। नाराज बेटों ने पंचायत बुला ली। पंचों ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए 500 बेटों को संपत्ति में हिस्सा देने का फरमान जारी कर दिया। 5 दिन में ऐसा नहीं करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और समाज और गांव से बेदखल करने का फरमान जारी कर दिया। बेटे की पत्नी ने पंचों का वीडियो बनाने के लिए फोन निकाला तो उसका फोन छीन कर तालाब में फेंक दिया। अभद्र भाषा का प्रयोग किया और व्यवहार किया। महिला ने पंचों सहित 11 के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच करी है जिसमें समाज और गांव से बहिष्कृत करने और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने और लज्जा भंग करते हुए उसके कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है तथा मामला पुलिस ने दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं बीएल भाटी, पाली जिले के चौधरी रोड थाना क्षेत्र के गांव का है। 28 साल की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि जिसमें बताया कि कामकाज के सिलसिले में उसके पति मुंबई में रहते हैं और सास ससुर की सेवा करने के लिए गांव में रहती हैं। उसके ससुर के 5 बेटे हैं जिनमें से दो बेटे उनकी सेवा नहीं करते हैं। ऐसे में दोनों बेटों को ससुर ने संपत्ति से बेदखल कर दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने 6 सितंबर 2023 को गाँव के तालाब किनारे एक पंचायत बुलाई जिसमें उसे उसके ससुर और सास को बुलाया गया। पंचों ने उसके ससुर को सभी 500 बेटों में संपत्ति का बंटवारा करने की बात कही और पंचायत करने लगे। इस पर उसने मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना शुरू किया तो पंच जय सिंह नाराज हो गए। उनके कहने पर जेठाराम, पुष्पा, मंजू, सुशीला ने उसके साथ गलत व्यवहार करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए और मोबाइल छीन कर तालाब में फेंक दिया। हंगामा हुआ तो पंचायत रोक दी गई तथा 11 सितंबर को पंचायत बुलाई जिससे उनके पति को भी मुंबई से बुला लिया गया। रिपोर्ट में बताया कि पंचायत में उसके पति जेठ, नंदोई और सास ससुर भी मौजूद थे। पंचों ने फरमान सुनाते हुए उनके ससुर को 5 दिन में सभी 5 बेटों को समान रूप से बंटवारा करने का फरमान जारी किया। इस पर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। बोले कि दोनों बेटों ने करीब 15 सालों से उनकी सेवा नहीं की है तो उनके संपत्ति में हिस्सा क्यों दूं? इस पर पंचों ने 5 दिन में ऐसा नहीं करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और समाज और गांव से बहिष्कृत करने का बात कही। उसके ससुर नहीं माने तो 5 दिन बाद उन्हें गांव और समाज के से बेदखल कर दिया, जिसे परेशान होकर उन्होंने सोजत थाने में मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट में महिला ने खारडी गांव निवासी संकलाल पुत्र गमनाराम, बस्तीराम पुत्र गमनाराम, जयसिंह पुत्र कंसिंह, डगलाराम पुत्र मगनाराम, अमराराम पुत्र ओगड़राम, रमेश पुत्र ओगड़राम, किशोर पुत्र जसराज, जेठाराम पुत्र उमाराम, सुशीला, पुष्पा और मंजू के खिलाफ सोजरो थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।